हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का ये व्लॉग होगा वाकेंट के बारे में। वाकेंट से मेरी बहुत सी ऐसी यादें जुड़ी हैं, जिंदगी के 6 साल वहाँ गुजारे हैं। वाकेंट को मैं अपनी यादों का शहर ज़रूर कह सकती हूँ, और मुझे उम्मीद है अगर आप में से कोई वाकेंट गया है या वाकेंट रहता है तो उसकी भी बहुत सी हसीन यादें वहाँ से वापस आऊँगी। इस स्टॉप पे हमने बहुत सफ़र किया, और ये जो रास्ता अभी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ हमने अपनी ज़िंदगी के 6 साल गुजारे। इन्हीं रास्तों पे दौड़ते हुए बहुत सी जूतियाँ घिसा दी हमने, बारिश होती या तेज़ धूप होती, लेकिन इन रास्तों पर चलना लाजिम होता था हम पे। जी आगे है मिशल डिग्री कॉलेज, जहाँ मैंने 2 साल तालीम हासिल की और बहुत सी प्यारी दोस्तें बनाई। इसके बाद आगे आती है बिल्कुल साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, जहाँ ज़िंदगी के 4 साल गुजरे और ये लम्हात गुजरते हुए पता भी नहीं चला। काश ये वक्त वापस लौट के आता तो मैं इसको बहुत भरपूर तरीके से एक दफ़ा दोबारा इन्जॉय करती। वक्त तो गुजर जाता है पर हमारे जहन में बहुत सी अच्छी यादें नक्श कर जाता है। अब हम सारे अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए, लेकिन वो वक्त किसी को भी नहीं भूला होगा। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं बस्ती, पुरानी यादों को रखते हैं साइट पे और अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हमने जाना था अलफैसल, वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, तो ये हम पहुंच गए अलफैसल। और गाइज, ये वाली वीडियो जो है बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। आई विश कि कभी मुझे भी कोई वीडियो स्पॉन्सर हो। खैर, तो यहाँ पे ये देखें कितने ज़्यादा कलरफुल कपड़े हैं। अलफैसल जो है ये बेस्ट प्लेस है शॉपिंग के लिए। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी अंडर वन रूफ, चाहे वो टॉवल्स लेने हों, बेडशीट्स लेनी हो, कपड़े लेने हों लेडीज़ या जेंट्स, कुछ भी मेकअप लेना हो, ज्वेलरी लेनी हो, लेसेस लेनी हो, कुछ भी। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वेलरी भी है, यह मेकअप वाला कॉर्नर आ गया, और बैग्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बैकपैक, हैंडबैग्स, क्लचेस। ये हैं शॉल्स वगैरह, यहाँ से हमने शॉल देखनी थी पर जो हमने लेनी थी वो वाला कपड़ा इनके पास अवेलेबल नहीं था। ये इनका होम सेक्शन है जहाँ पे पिलोज होते हैं, क्विल्ट्स होती हैं, बेडशीट्स वगैरह। अब ये इनकी ब्रांड्स वाली शॉप है जिसपे डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, एंड दिस इज देयर बुटीक। मामा ने गाउन लेना था पर उनको कोई भी गाउन मिला नहीं जो उनको फिट आ सके सही से, एंड आई लव दिस ग्रीन ड्रेस सो मच। अच्छा जी, यहाँ से नीचे बेसमेंट की तरफ को रास्ता जाते हैं, और यहाँ पे 2 शॉप्स हैं दुपट्टों की। आपको किसी भी किस्म का दुपट्टा चाहिए तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। पूरे बस्ती में आई थिंक सबसे बेस्ट प्लेस है ये वाली 2 शॉप्स में सबसे बेस्ट है अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी दुपट्टा चाहिए। कितने कलरफुल, कितने हसीन रंग हैं। यहाँ से निकल के कुछ ही दूर जाके हमें एक बेडशीट नज़र आई थी जो कि बहुत हसीन लगी, और हमने वो ख़रीद ली। ये जो आपको अभी नज़र आ रही स्क्रीन पे, ये वाली बेडशीट हमने ली थी, और आगे यहाँ पे सेल लगी हुई थी बाय वन गेट वन फ्री शू की, लेकिन शूज़ बहुत बकवास थे जिन पे सेल लगी हुई थी। ये वाले थे सारे सेल वाले, पर कोई भी अच्छा नहीं था, वर्थ पाए तो नहीं था। खैर, यहाँ से निकले क्योंकि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, और हम दोबारा गए। वाह, कितना प्यारा लहंगा है। खैर, हम दोबारा गए, ये मैंने लाइमलाइट वाली शर्ट उठाई हुई है हाथ में, पर मुझे इसके साथ की मैचिंग बॉटम नहीं मिली। आई डोंट नो ये कैसा कलर है जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। वाकेंट आए और स्टूडेंट बिरयानी ना खाएं, बहुत बड़ा रिग्रेट होगा आपको। यहाँ की बिरयानी लाजमी खाइएगा, दी बेस्ट बिरयानी होती है इनके पास। इतनी अच्छी होती है कि हम लोग अपना पेपर तक सेक्रीफाइस कर देते थे सिर्फ इस बिरयानी को खाने के लिए। हम लोग इस शॉप के ओपन होने से पहले यहाँ पहुँच जाते थे, बाहर बैठ के वेट करते थे, और शॉप जैसे ही ओपन होती थी हम पहले कस्टमर होते थे, और काफ़ी बिरयानी इनकी हमने ठूस ठूस के खाई है, बहुत अच्छी बिरयानी होती है। देन अब हम आ गए सपना क्लॉथ, यहाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला शर्ट जो है। अगर मैंने शॉपिंग ना की होती ना पहले तो ये लाजमी मैं खरीदती।
ये अंकल जो हैं वही लाइमलाइट के साथ मैचिंग बॉटम ढूंढ रहे हैं, पर नहीं मिला इनको भी। यहाँ से मम्मा को शॉल मिल गई थी जो मम्मा शॉल ढूंढ रही थी। पता नहीं क्या हो गया, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। उफ, इस टॉप पे तो इतनी ख्वारी होती है कि अल्लाह माफ़ करे।